फिंगर फर्स्ट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के नियम कानून ये आपके सामने। नियम नंबर फर्स्ट, वर्तमान में जो भारत में रह रहे हैं वो ही इस गेम शो में भाग ले सकते हैं। नियम नंबर टू, मेजबान द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर YouTube के लाइव चैट बॉक्स में देना होगा। यदि उस एपिसोड में महासवाल आपसे पूछा जाता है तो उसके नियम वशर्त उस सवाल से पहले आपको बता दी जाएगी। नियम नंबर तीसरा, विजेता के चयन के लिए चैनल का सब्सक्रिप्शन होना अनिवार्य है। नियम नंबर चार, सवाल जवाब आपको दोनों भाषाओं में मिलेंगे लेकिन आपको जवाब इंग्लिश भाषा में देना है। जैसे कि यदि आपको लगता है कि ऑप्शन ए आगरा इसका सही जवाब है तो आपको इंग्लिश में टाइप करना है ए और आगरा स्पेलिंग ए जी आर ए। यदि आप स्पेलिंग मिस्टेक कर बैठते हैं तो आपका जवाब गलत मान लिया जाएगा। नियम नंबर पांचवा, विजेता के लिए आपकी प्रोफाइल फोटो और उचित नाम होना जरूरी है। जब आप विजेता बन जाएंगे तो आपका नाम और आपकी प्रोफाइल फोटो स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। नियम नंबर सिक्स, जो व्यूअर्स रूल को ध्यान में रखते हुए सही फॉर्मेट में सबसे तेज जवाब देगा वो विजेता के रूप में उसका नाम घोषित किया जाएगा। नियम नंबर सातवां, यदि किसी एपिसोड में आप विनर घोषित किए जाते हैं तो बाकी बचे प्रश्नों में आप विनर मान्य नहीं होंगे लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आप विनर बन सकते हैं। आठवां नियम, होस्ट द्वारा सही उत्तर बताने के बाद विजेता का नाम बताया जाएगा। चैनल द्वारा बताया गया उत्तर ही मान्य होगा, इस पर किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा। नियम नंबर नाइन, शो के विजेताओं को 48 घंटे के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए विनर्स लिंक को भरना होगा। विनर द्वारा दी गई जानकारी का वेरिफिकेशन करने के बाद पुरस्कार आपके दिए गए डाक पते पर भेज दिया जाएगा। नियम नंबर 10, केवल इंडिविजुअल ही इस खेल में हिस्सा ले सकते हैं, कोई भी संस्था इस खेल में हिस्सा नहीं ले सकती। और अंतिम नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो 11वां नियम कहता है जो आपको उत्तर देना है वो नीचे दिए गए फॉर्मेट में देना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसका जो सही फॉर्मेट है वो है, यदि आपका जवाब है डी तो आपको डी टाइप करना है, फिर स्पेस देना है और फिर आपका जवाब, यदि आपका जवाब क्लोरीन है तो आपको क्लोरीन टाइप करना है। स्पेलिंग मिस्टेक होने पर ही आपका जवाब गलत मान्य होगा। तो ये प्रॉपर इसका फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखते हुए सवालों के जवाब देने हैं। इफ यू हैव ऑलरेडी बीन अ विनर इन एनी एपिसोड यू विल बी एलिजिबल टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ ओनली जैकपॉट और महासवाल till the next 3 episode from that episode. If you answer first of any of the simple question in those 3 episode, then the person who answered after you will be the winner. यदि आप किसी भी episode में विजेता रह चुके हैं, तो उस episode से अगले 3 episode तक आप केवल jackpot या महासवाल के प्रश्न का उत्तर देने के लिए मान्य होंगे। यदि आप पूछे गए साधारण प्रश्नों में सबसे तेज उत्तर देते हैं तो आपके बाद उत्तर देने वाले व्यक्ति को विजेता घोषित किया जाएगा। तो ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के नियम कानून हमने देखे। आदर अभिनंदन, आभार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सब लोगों का इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है F3 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पावर्ड बाय महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय फैरिस फर्नीचर। दोस्तों, आप सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरे देश में और वृंदावन में इस समय होली का माहौल छाया हुआ है। देखा जाए तो त्योहारों में वो जादू होता है जो अपने को करीब लाता है, रूठे को मनाता है और जीवन को खुशहाल बनाता है। अब शुभकामनाओं को ही ले लीजिए, दो चार शब्दों से बने शुभकामनाओं में वो ताकत होती है जो एक मन से दूसरे मन के सारे गिले शिकवे मिटा देती है। त्योहार की मिठाई होली की गुजिया मुंह मीठा करने के साथ साथ
दिल में भी मिठास घोल देती है। घर के बाहर नन्हे नन्हे बच्चे के हाथों में पिचकारी और गुलाल अबीर हमारे दिलों में अपार उम्मीद का रंग भर देती है। होली के रंग जीवन में फिर से रंगों को भर देते हैं। होली के त्योहार में कुछ समय के लिए ही सही हम अपनी सारी परेशानियां भूलकर एक ऐसे उमंग में डूब जाते हैं जो साल भर हमें जोश और उत्साह से भरती रहती है। मैं यही कामना करता हूं कि आपके जीवन में ये उमंग कभी ना कम हो। और हमारा तो बस आपसे यही है दोस्तों कहना कि ये रंगों का त्योहार आया है, साथ में अपने खुशियां अपार लाया है। हमसे पहले कोई रंग ना दे आपको, इसलिए हमने शुभकामनाओं का रंग सबसे पहले भिजवाया है। तो हैप्पी होली, हैप्पी होली। दोस्तों हम सब यही चाहते हैं कि इस वर्ष आपके जीवन में रंग भरा रहे, रंग बना रहे और आपको इस वर्ष आपका मुकाम मिले, आपको सफलताएं मिले और आप जीवन की ऊंचाइयों को पार करें। तो बस हम यही दुआ करते हैं आप सब लोगों के लिए कि होली के रंग की तरह आपके जीवन में हमेशा रंग बना रहे और आपको सफलता हर कदम पर मिलती रहे। तो पिछले एपिसोड में जिनको सफलता मिली, आइए देखते हैं, जानते हैं कि पिछले एपिसोड के हमारे विजेता कौन थे। पिछले एपिसोड के दमदार 10 विजेता जिन्होंने हमारे साथ अद्भुत खेल ही नहीं खेला बल्कि पिछले एपिसोड के हमारे विजेता रहे। तो आइए जानते हैं और देखते हैं पिछले एपिसोड के विजेताओं की एक झलक। तो फास्टेस्ट स्विंगर फर्स्ट में पिछले एपिसोड के विजेताओं की एक झलक ये आपके सामने। तो पिछले एपिसोड के दमदार 10 विजेता आपने देखे। तो हम चाहते हैं कि आज आप इस खेल को खेलें और इन 10 विजेताओं की तरह आप भी यहां पर इतिहास रचें। तो चलिए अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है F3 फास्टेस्ट स्विंग ऑफ फर्स्ट। तो देवी और सजनों अब आप सबकी निगाहें स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट स्विंग ऑफ फर्स्ट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आने जा रहा है। ध्यान से खेलेगा, समझदारी से खेलेगा, सूझबूझ से खेलेगा क्योंकि यह है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला सवाल। तो निगाहें सबकी स्क्रीन के ऊपर। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट? क्रिकेट के खेल में बल्ले की अधिकतम लंबाई क्या है? और ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ऑप्शन ए 32 इंच, ऑप्शन बी 34 इंच, ऑप्शन सी 36 इंच या फिर ऑप्शन डी 38 इंच। तो सवाल है कि क्रिकेट के बैट की अधिकतम लंबाई क्या है? क्या लगता है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी? मात्र 10 सेकंड बचे हैं आपके पास। इसी के साथ समय आपका समाप्त हुआ। तो आइए जानते हैं कि सवाल का सही जवाब क्या है। और हम आपको बता दें कि क्रिकेट की अगर बात करें तो कल इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच जीत गई 75 रन से। तो क्रिकेट का यह सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आज। तो क्या लगता है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 32 इंच होगा, 34, 36 या फिर 38? मैक्सिमम जनता यहां पर गई ऑप्शन डी के साथ, कुछ लोग गए सी के साथ, लेकिन ए और बी में भी कंफ्यूजन बरकरार। तो इस कंफ्यूजन को किया जाए दूर और पूछा जाए महिंद्रा गुरु जी से कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो आइए जानते हैं कि सवाल का सही जवाब क्या है, इस सवाल में सबसे तेज किसने जवाब दिया। लेकिन उससे पहले सही जवाब, तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में इस सवाल का सही जवाब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी हाँ, जवाब है 38 इंच। जी हाँ, 38 इंच इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो पहला सवाल आपने देखा और पहले सवाल का सही जवाब भी आपने देखा। इस होली के त्योहार पर पहले सवाल में किसको मिलेगा उपहार,
आइए देखते हैं और बताएंगे बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो चलिए देखते हैं कि पहले सवाल के विजेता कौन रहे। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, मैं पहले सवाल के विजेता कौन रहे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और हम यही कहना चाहेंगे वुमेन एम्पावरमेंट। और उसी के साथ साथ देखिए, जब भी सवाल आपकी स्क्रीन पर आए तो आप समय समय पर लाइक बटन को प्रेस जरूर कर लें। देखिए हमने कई बार ये देखते भी हैं और काफी लोग कमेंट भी करते कि सर जवाब पहले आता है सवाल बाद में आता है, तो इसकी वजह यह हो सकती है दोस्तों कि आप जो है लाइव से थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो समय समय पर लाइव को प्रेस कर लें। धड़कने तेज हैं कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला विजेता आज कौन होगा, किससे आगाज होने जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि पहले विजेता कौन है। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, मैं पहले सवाल के विजेता का नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और जी हाँ, नाम है सुमन चौधरी। सुमन चौधरी जी हाँ, जिनकी विनर आईडी है 08032017-001। वेल प्लेड सुमन चौधरी सर, बहुत ही उम्दा खेल उन्होंने खेला और बन गए पहले सवाल के विजेता। तो पहले सवाल के विजेता का आगाज हुआ सुमन चौधरी से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुमन सर के लिए। तो वेल डन, वेल प्लेड, बहुत उम्दा खेल आपने खेला और पहले सवाल के विजेता सुमन चौधरी। चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि सुमन चौधरी यहां पर पहले सवाल के विजेता बने, तो आप सभी को यह मालूम है कि 10 सवाल 10 विजेता होते हैं। आज दोस्तों खेल में बदलाव है, खेल में बदलाव है। आज एक विजेता ऐसा होगा जो आप लोगों में से लकी विजेता चुना जाएगा, यानी कि जो आज सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा, लगातार कमेंट करेगा, लगातार हमको हर सवाल पे जवाब देगा। किसी कारणवश अगर विजेता नहीं बन पाया तो लकी विजेता के तौर पे आज हमारे कंप्यूटर महाशय किसी भी एक को लकी विजेता चुनेंगे। तो यानी कि आज सवाल तो होंगे 10 लेकिन विजेता होंगे एक और एक 11। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं दूसरे सवाल पर और देखते हैं कि आज का दूसरा सवाल क्या है। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा सवाल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर रखने जा रहा हूं। ध्यान से खेलेगा, समझदारी से खेलेगा, सूझबूझ से खेलेगा, क्योंकि यह है दूसरा सवाल। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच अमंग द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया यूज्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियली। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल किया गया। और ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी दार्जिलिंग। क्या लगता है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी मुंबई या फिर डी दार्जिलिंग। समय आपका समाप्त हुआ। क्या लगता है इस सवाल का सही जवाब क्या है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या फिर दार्जिलिंग। और सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल किया गया था। तो आइए जानते हैं कि सवाल का सही जवाब क्या है, किसने इस सवाल में सबसे तेज जवाब देकर बन गए विजेता। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसका जवाब क्या है आइए जानते हैं। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में इस सवाल का सही जवाब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी हाँ, जवाब है दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग इस सवाल का सही जवाब है। और सवाल था कि किस भारतीय शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल किया गया, तो वो भारतीय शहर है दार्जिलिंग, यानी कि। तो दूसरा सवाल आपने देखा और दूसरे सवाल का सही जवाब भी आपने देखा। देखते हैं कि दूसरे सवाल के विजेता कौन है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि आज सवाल 10 होंगे लेकिन विजेता 11 होंगे। तो जी हाँ, एक लकी विजेता हम लोग चुनेंगे और लकी विजेता वो होगा जो हर सवाल पे जवाब देगा। और साथ ही साथ जी हाँ बताना चाहेंगे, जो लगातार एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा
हर सवाल पे सही जवाब देगा, लेकिन अगर उसकी स्पीड कमजोर है तो उसे भी मौका दिया जाएगा और एक लकी विजेता आज हम चुनेंगे। तो कहीं मत जाइए, क्या पता लकी विजेता आप हो। तो उससे पहले देखते हैं कि इस सवाल के विजेता कहीं आप हैं या कोई और है। तो आइए पूछते हैं महिंद्रा गुरु जी से कि दूसरे सवाल के विजेता को बताया जाए। लेकिन उससे पहले जो पिछले बार के विजेता रहे अभिषेक सिंह, वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं कि कैसे वो विजेता बने। तो आइए सुनते हैं अभिषेक सर की कहानी, होने की जुबानी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक सिंह फ्रॉम लखनऊ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जस्ट मैंने आज ही रिसीव किया कुरियर के माध्यम से ये गेम शो का प्राइज। आई एम वेरी वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि ये मेरा पहला प्राइज है, फर्स्ट एपिसोड से ही खेल रहा था। और आप लोग को भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ कीप प्लेइंग। और जिन्होंने अब तक नहीं जीता उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी रूल्स चेंज हुए हैं और जो फर्स्ट विनर्स रह चुके हैं वो 3 एपिसोड तक नहीं है। तो हम तो 3 एपिसोड वेट करेंगे, लेकिन ये आपके लिए पूरा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ऑल द बेस्ट। तो दूसरे सवाल के विजेता कौन होंगे? धड़कने बेचैन, लोगों में उत्साह कमेंट बॉक्स पे लगातार हम देख रहे हैं, कमेंट की रफ्तार तेजी से कि सर अब की बार विजेता कौन होगा। सबके मन में बस यही सवाल कि दूसरे सवाल का विजेता कौन बनेगा। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में दूसरे सवाल में किसकी उंगलियां सबसे तेज चली, किसने सबसे तेज जवाब दिया और बन गए विजेता। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में दूसरे सवाल के विजेता का नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और जी हां, नाम है सुभाजीत डोलाई। सुभाजीत डोलाई जिनकी विनर आईडी है 08032017-02। वेल प्लेड सुभाजीत सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, उम्दा खेल आपने खेला और बन गए दूसरे सवाल के विजेता। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुभाजीत डोलाई सर के लिए। वेल प्लेड दूसरे सवाल के विजेता सुभाजीत डोलाई सर। तो उम्दा खेल खेला और दूसरे सवाल में सबसे तेज उंगलियां चली और सबको पीछे करते हुए ये बन गए हमारे विजेता। तो इन्हीं की तरह आप भी यहाँ पे देखिए उंगलियों को तेज चलाइए, जवाब जल्दी देने का प्रयास कीजिए। और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो किसको मिलेगी अब की बार सफलता और किसको मिलेगी असफलता जानने के लिए, लेकिन उससे पहले तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लाया जाए। तो चलिए फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आने जा रहा है। ध्यान से खेलेगा, समझदारी से खेलेगा, सूझबूझ से खेलेगा, क्योंकि यह है तीसरा सवाल और सही सवाल आपको दिला सकता है एक स्मार्टफोन। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। द नेशन वाइड स्वच्छ शक्ति सप्ताह हैज बीन लॉन्च फ्रॉम व्हिच सिटी। राष्ट्रव्यापी स्वच्छ शक्ति सप्ताह निम्न में से किस शहर में शुरू किया गया? और ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी अहमदाबाद या फिर ऑप्शन डी नोएडा। तो क्या लगता है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सवाल है, राष्ट्रव्यापी स्वच्छ शक्ति सप्ताह निम्न में से किस शहर में शुरू किया गया? ए गांधीनगर, बी गुरुग्राम, सी अहमदाबाद, डी नोएडा। इसी के साथ समय आपका समाप्त हुआ। दोस्तों सवाल था कि द नेशन वाइड स्वच्छ शक्ति सप्ताह हैज बीन लॉन्च फ्रॉम व्हिच सिटी। तो क्या लगता है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स पे हमने देखा लोगों ने जवाब दिया गांधीनगर, कुछ लोगों ने जवाब दिया गुरुग्राम, कुछ लोग गए सी और डी के साथ। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में इस सवाल का सही जवाब क्या है, किसने इस सवाल में सबसे तेज जवाब दिया। लेकिन उससे पहले सवाल का सही जवाब क्या है, तो आइए पूछते हैं महिंद्रा गुरु जी से। इस सवाल का सही जवाब हमारी स्क्रीन के ऊपर अंकित किया जाए। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में इस सवाल का सही जवाब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और जी हां, जवाब है गुरुग्राम। गुरुग्राम इस सवाल का सही जवाब है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज और पेयजल स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 मार्च 2017 को गुरुग्राम हरियाणा से हाल ही में देश भर में स्वच्छ शक्ति सप्ताह का शुभारंभ किया है। स्वच्छ शक्ति सप्ताह 1 से 8 मार्च 2017 तक देश भर का आयोजन करेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में 8 मार्च को
सप्ताह के लंबे कार्यक्रम के समापन समारोह में भाग लेंगे। तो तीसरा सवाल आपने देखा और तीसरे सवाल का सही जवाब भी आपने देखा। आइए जानते हैं कि तीसरे सवाल के विजेता कौन है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों। जो अगला फास्टेस्ट स्प्रिंग अप फर्स्ट का जो एपिसोड वेडनेसडे को होना है, उसको आप वेडनेसडे की जगह वो होगा फ्राइडे को। जी हाँ, तो 17 तारीख को अगला फास्टेस्ट स्प्रिंग अप फर्स्ट का एपिसोड होगा। तो हम बताना चाहेंगे कि जो अगला एपिसोड है वो होगा फ्राइडे को। अब देखते हैं कि तीसरे सवाल के विजेता कौन रहे। क्या लगता है कि तीसरे सवाल में किसकी उंगलियां तेज चली, किसने सबसे तेज जवाब देकर तीसरे सवाल के विजेता बने, जानते हैं। लेकिन उससे पहले जो पिछले बार के विजेता हमारे रहे, तो आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुराधा गुप्ता एंड माय विनर आईडी 01032017-01 एंड आई वाज द विनर ऑफ एपिसोड नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1। आई वाज सरप्राइज्ड दैट माय नेम इज अनाउंस्ड एज अ विनर, सो आई वांट टू से समथिंग टू ऑल माय फ्रेंड दैट डेफिनेटली यू विल आल्सो विन एंड आई आल्सो वांट टू से समथिंग टू महिंद्रा गुरु दैट दिस इज द बेटर प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट मोर एंड मोर नॉलेज एंड यू कैन एनहांस योर नॉलेज एंड यू कैन सक्सीड योर। तो आइए जानते हैं कि अब की बार विजेता कौन रहा, किसकी उंगलियां सबसे तेज चली। तो फर्स्ट स्प्रिंग ऑफ फर्स्ट में इस सवाल के विजेता का नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और जी हाँ, नाम है किशान रजक। किशान रजक जिनकी विनर आईडी है 08032017-03। वेल प्लेड किशान सर, उम्दा खेल आपने खेला और बन गए तीसरे सवाल के विजेता। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए किशान रजक सर के लिए, उम्दा खेल खेला और तीसरे सवाल के हमारे विजेता किसान रजक सर। तो वेल प्लेड, उम्दा खेल। चलिए चलते हैं चौथे सवाल पर और देखते हैं कि फास्ट स्विंग ऑफ फास्ट का चौथा सवाल हमारे स्क्रीन के ऊपर क्या है। और हम आपको बता दें, समय समय पर लाइक बटन को प्रेस करते रहें और साथ ही साथ दोस्तों आज सवाल 10 होंगे लेकिन विजेता 11 होंगे, मतलब कि एक लकी ड्रॉ से यहां पर एक विजेता को चुना जाएगा। तो दोस्तों आप कमेंट जवाब देते रहें, हो सकता है कि लकी ड्रॉ में आपका नाम हो और आप बन जाए हमारे लकी विजेता। तो इसके लिए भी आप तैयार रहें, कहीं मत जाइएगा। हम आपको बीच में बताएंगे कि लकी विजेता कौन रहा आज के एपिसोड का, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। उससे पहले चौथा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आने जा रहा है, ध्यान से खेलेगा, समझदारी से खेलेगा, क्योंकि यह है चौथा प्रश्न। फास्टेस्ट स्प्रिंग ऑफ फर्स्ट का चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। J is equal to 4, L is equal to 8, M is equal to 24, then M multiply J divided by L plus J will be equal to question mark. यदि P बराबर 6, J बराबर 4, L बराबर 8 और M बराबर 24 है, तब M गुणा J divided L plus J का मान किसके बराबर होगा। और options आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 16 या फिर ऑप्शन डी 0। क्या लगता है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? मात्र 15 सेकंड शेष बचे हैं आपके पास। समय आपका समाप्त हुआ और सवाल हमने देखा कि P बराबर 6, J बराबर 4, L बराबर 8 और M बराबर अगर 24 है तो M गुणा J डिवाइडेड बाय L प्लस J किसके बराबर होगा। तो क्या लगता है, लोगों ने कमेंट बॉक्स पे जवाब भी दिया, किसको लॉक किया जाए। काफी लोगों ने जवाब दिया 16, कुछ लोगों ने जवाब दिया 8। तो आइए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। कंप्यूटर महाशय, इस सवाल का सही जवाब क्या है, आइए आप इसे पूछते हैं। तो फास्टेस्ट स्प्रिंग ऑफ फर्स्ट में इस सवाल का सही जवाब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और जी हाँ, जवाब है 16, 16 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको बता दें कि सवाल में आपको करना कुछ नहीं था, M के स्थान पर 24, L के स्थान पर 8, J के स्थान पर 4 और ये आपको मान यहाँ पे रखने थे और आपको फिर बॉड मास के अकॉर्डिंग जाना था। तो आप इसको हल करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा, उत्तर जो आपको प्राप्त होगा वो होगा 16, 16 इस सवाल का चौथा प्रश्न आपने देखा और चौथे सवाल का सही जवाब भी आपने देखा। वक्त आ चला है फास्ट स्ट्रिंग ऑफ फर्स्ट में चौथे सवाल
के विजेता के नाम की घोषणा करने का। कमेंट बॉक्स पे हम देख रहे हैं कमेंट की रफ्तार बहुत तेजी से, जिस तरह से कमेंट बॉक्स की रफ्तार है लगता है कि बहुत मुश्किल होने वाला है कि चौथे सवाल के विजेता कौन रहे, लेकिन बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे दोस्तों, एक लकी विजेता भी आप ही लोगों में से चुना जाएगा। तो कौन होगा वो लकी विजेता, किसको मिलेगा लकी विजेता का इनाम, बताएंगे। लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक, हम यही कहेंगे हो सकता है कि वो आप ही हो, तो उसके लिए इंतजार कीजिए और बताएंगे कि सवाल का विजेता कौन रहा। लेकिन जो पिछले बार के हमारे विजेता रहे, कैसे उनकी पहचान बनी, कैसे उन्हें यहां पे नाम मिला, कैसे उन्हें सम्मान मिला, आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं के जुबान। माय नेम इज निखिला, आई एम द विनर ऑफ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट एपिसोड 8 क्वेश्चन नंबर 3 एंड माय विनर आईडी इज 0103-2017-03। आई वुड लाइक टू थैंक महिंद्रा फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए ग्रेट लाइव F3 गेम शो। आई वॉज शॉक्ड व्हेन माय नेम वॉज अनाउंस्ड एज द विनर। I tried from episode number 1, but I got my name in episode number 8. Thanks to Mahindra for giving us a good opportunity. Any Indian can participate in this game show. So friends, keep trying. One day definitely you will get. All the best. Thank you. तो अब की बार विजेता कौन रहा? आइए जानते हैं और देखते हैं कि चौथे सवाल के विजेता कौन रहे। इंतजार लोगों में, धड़कने बेचैन सबकी, लोगों में उत्साह, कमेंट बॉक्स की रफ्तार तेजी से, ये जानने को कि चौथे सवाल के विजेता कौन है। तो बताया जाए, हम चाहेंगे महिंद्रा गुरु जी से कि चौथे सवाल के विजेता को हमारी स्क्रीन के ऊपर अंकित किया जाए। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के चौथे प्रश्न के विजेता का नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और जी हां, नाम है दीपक बिहार। दीपक बिहार जिनकी विनर आईडी है 0803-2017-04। तो दीपक सर वेल प्लेड, उम्दा खेल आपने खेला, चौथे सवाल के विजेता दीपक सर, तो उम्दा खेल खेला चौथे सवाल के विजेता। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दीपक सर के लिए। जितने भी विजेता बनते जा रहे हैं, हम उनसे ये दरखास्त करते हैं कि दोस्तों आप अपनी मौजूदगी कमेंट बॉक्स पे हमको दिखाएं, लगातार आप भी कमेंट करते रहें, ताकि हमको एक मोटिवेशन आप लोगों से मिले कि जीतने के बाद भी आप हमारे बीच में मौजूद हैं। और जितने लोग विजेता नहीं बने वो इन लोगों का हौसला बढ़ाए, ताकि जब आप विजेता बने तो ये सब के सब आपके लिए भी क्लैपिंग करें। तो एक बार आप सब लोगों के लिए भी क्लैपिंग हो जाए। ऑल द बेस्ट गाइस। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आने जा रहा है, ध्यान से खेलेगा। ये पांचवा सवाल आपको इनाम ही नहीं पहचान भी दिला सकता है। तो चलिए खेलते हैं पांचवे सवाल को और देखते हैं कि पांचवा सवाल क्या है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पांचवा सवाल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर रखने जा रहा हूं। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which of the following year the first telegraph line between Calcutta and Agra was opened? निम्नलिखित में से कौन से सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? और ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ऑप्शन ए 1852, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1854 या फिर ऑप्शन डी 1855। क्या लगता है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन से सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? बहुत कम समय आपके पास बचा है। इसी के साथ समय आपका समाप्त हुआ। आइए देखते हैं कि सवाल का सही जवाब क्या है। तो काफी लोगों ने कमेंट करके बताया कि ऑप्शन ए, कुछ लोगों ने कहा ऑप्शन बी, तो कुछ लोग गए सी और डी के भी साथ। तो आइए जानते हैं और देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में इस सवाल का सही जवाब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और जी हाँ, जवाब है 1853। तो 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। तो पांचवा सवाल आपने देखा और पांचवे सवाल का सही जवाब भी आपने देखा। कमेंट बॉक्स पे लोगों का जवाब देखिए कितनी तेजी से आ रहा है। लोगों में उत्साह है, उत्साह भी है, क्रेज भी है, और सबका यही कहना है कि देखते हैं कि कौन सबसे तेज करेगा, किसमें है क्रेज, जो सबसे देगा जवाब तेज। तो आइए जानते हैं किसने सबसे तेज जवाब दिया
और पांचवें सवाल के विजेता बने। और एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि लकी विजेता कौन होगा। तो हम बता दें आपको, कमेंट करते रहिए दोस्तों, हर सवाल के जवाब देते रहिए। कंप्यूटर महाशय आप ही लोगों में से एक व्यक्ति को चुनेंगे और वो हमारा कहलाएगा आज का लकी विजेता। कौन होगा लकी विजेता, जानने को सब बेकरार हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि सवाल के विजेता कौन रहे। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में इस सवाल के विजेता का नाम बताएंगे, लेकिन जो पिछले बार हमारे विजेता रहे वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो कैसे बने विजेता। तो आइए जान लेते हैं। कैन वी हैव अ वीडियो प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशांत कुमार वर्मा है। मैं एपिसोड 8 के क्वेश्चन नंबर 2 का विजेता हूँ। मेरी विनर आईडी 01032017 02 है। मैं पिछले 3-4 एपिसोड से लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन 8वें एपिसोड के क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे ही मैथ्स गुरु ने मेरा नाम अनाउंस किया, मैं बहुत ही खुश हुआ। और एक बात, मैं कमेंट बॉक्स में देखता रहता हूँ कि लोग फेक 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 लिखते रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। ये अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है। जैसा कि मैथ्स गुरु कहते हैं कि जो उंगलियों को तेज चलाएगा वही विजेता कहलाएगा, तो आप भी प्रयास करते रहिए, आप भी विजेता बनेंगे। थैंक यू F3 टीम एंड थैंक यू महिंद्रा। देखते हैं कि सवाल के विजेता कौन रहे। दोस्तों, अगर आपको ये खेल पसंद आ रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं इस खेल में, तो एक लाइक तो बनता है। जी हाँ, हम चाहेंगे, देखिए आपके लाइक से, आपके शेयरिंग से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स जो हैं वो भी हमारे बीच में जुड़े। हो सकता है कि आपके शेयर करने से जो आपके फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे आए और लगातार कमेंट करें और वो लकी विजेता बन जाए। तो कुछ भी संभव है इस दुनिया में, और कहा भी जाता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो बिल्कुल जी हाँ, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब चलते हैं कि कौन रहा विजेता। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में इस सवाल के विजेता का नाम क्या होगा। धड़कने बेचैन, सब उत्साह से भरे हुए, क्या पता नाम हमारा हो। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और जी हाँ, नाम है रजत जैन। रजत जैन इनका नाम है, जिनकी विनर आईडी है 08032017-05। रजत जैन सर, वेल प्लेड, उम्दा खेल आपने खेला और बन गए पांचवें सवाल के विजेता। तो एक बार जोरदार तालियां यहां पर हो जाए रजत जैन सर के लिए। वेल प्लेड, उम्दा खेल रजत सर ने, और पांचवें सवाल के हमारे विजेता। तो हम चाहेंगे इन्हीं की तरह आप लोग भी यहां पर खेले। और यहां पर देखिए, जो उंगलियों को तेज चलाएगा वही विजेता कहलाएगा, और साथ ही साथ समझदारी, सूझबूझ का होना भी बहुत जरूरी है। चलते हैं अपने छठे सवाल पर। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि छठे सवाल पे जाने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर लें, ताकि आप अगर पीछे चल रहे हैं तो आप जो है पीछे ना हो जाएं। तो लाइक बटन को या फिर पेज को समय समय पर रिफ्रेश जरूर करते रहें। आने जा रहा है छठा सवाल, ध्यान से खेलिएगा। ये सवाल आपको इनाम ही नहीं पहचान दिला सकता है, और इस खेल में इनाम ही नहीं दिल भी जीते जाते हैं। तो फास्ट स्पिंग ऑफ फर्स्ट का छठा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड एट। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है, और ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी वेना, ऑप्शन डी वॉशिंगटन। क्या लगता है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, चार ऑप्शन भी, ए बी सी डी। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां है? और इसी के साथ समय आपका समाप्त हुआ। आइए जानते हैं कि सवाल का सही जवाब क्या है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में किसने इस सवाल का सबसे तेज जवाब दिया? कमेंट बॉक्स पे हमने देखा लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन ए, तो कुछ लोग गए ऑप्शन सी यानी कि वियना के साथ। तो क्या इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी है या कुछ और है? आइए जानते हैं, पूछते हैं महिंद्रा गुरु जी से कि सवाल के सही जवाब को हमारी स्क्रीन पर अंकित किया जाए। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में इस सवाल का सही जवाब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और जी हाँ, जवाब है वियना। वियना इस सवाल का सही जवाब है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय, जिसको हम IAEA भी बोलते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना। तो छठा सवाल आपने देखा, और छठे सवाल का सही जवाब भी आपने देखा। दोस्तों, लगातार हमने कमेंट बॉक्स पे एक बात नोटिस करी कि काफी लोगों ने कहा कि जो पिछले सवाल के विजेता थे वो ब्रज मिश्रा थे।
तो हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि रूल में अमेंडमेंट हुआ था यहां पर कि यदि कोई व्यक्ति एक बार विजेता बन जाता है, यानी कि आज के एपिसोड में यदि आप विजेता बन जाते हैं तो अगले 3 एपिसोड तक आप सवाल का जवाब यदि सबसे तेज देते हैं तो आप विजेता तो होंगे, लेकिन क्योंकि आप एक बार विजेता रह चुके हैं तो आपके बाद जो दूसरे नंबर पर जिसने सबसे तेज जवाब दिया होगा उसको वरीयता दी जाएगी। तो आज भी ऐसा ही हुआ। पिछले सवाल में जो विजेता थे वो ब्रज मिश्रा थे, एक बार वो विजेता बन चुके हैं इसलिए दूसरे नंबर पर रहे हमारे रजत सर, उनको हमने यहां पर मौका दिया, क्योंकि देखिए इस खेल में हम चाहते हैं कि हर किसी को मौका मिले। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में इस सवाल का विजेता कौन बना, किसको आपकी बार मौका मिला और किसने मारा यहां पर चौका बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे पिछले बार के विजेता रहे, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, अपने हुनर और अपने जोश जुनून को बरकरार रखा और इनाम जीतने में सफल हुए, आइए जानते हैं कि कैसे वो असफल से सफल हुए। सो कैन वी हैव अ वीडियो प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रखर पाराशर, माय विनर आईडी इज 01032017-07। आई हैड ट्राइड फ्रॉम लास्ट 3 एपिसोड बट कुड नॉट गेट सक्सेस एंड फाइनली आई ऑब्टेंड सक्सेस इन एपिसोड नंबर 8। थैंक यू महिंद्रा गुरु फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट शो and digital classes. Lastly, I want to say to my friends, keep trying, you may be the next winner. Thank you. तो देखते हैं कि सवाल के विजेता कौन रहे। सबकी धड़कनें बेचैन हैं और काफी लोगों में उत्साह बना भी हुआ है कि विजेता कौन होगा और लकी विजेता भी कौन होगा। जैसे कि शो में बदलाव किया गया था और हम आपको बता दें कि अगला एपिसोड जो होना है वो होना है 17 मार्च को। तो होली की वजह से दोस्तों ये जो प्रोग्राम है, जो ये एपिसोड है, इसको शिफ्ट किया गया है बुधवार से शुक्रवार को। तो हम चाहेंगे आप सभी को ये बताना कि जो अगला एपिसोड होगा वो अगले बुधवार के बजाय शुक्रवार यानी कि 17 मार्च को ठीक 10 बजे लाइव होगा ओनली ऑन महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल पर। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि सवाल के विजेता कौन रहे। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में इस सवाल के विजेता का नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा और जिया नाम है शहनाज। शहनाज जिनकी विनर आईडी है 08032017-06। वेल प्लेड शहनाज। तो यहां पर देखिए, आज आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक महिला शहनाज जिनका नाम है 6 सवाल की विजेता बन गई। बहुत बढ़िया, वेल प्लेड, उम्दा खेल उन्होंने खेला। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सेना जी के लिए, तो बहुत बढ़िया खेल उन्होंने खेला। तो हम चाहेंगे जितने भी लोग यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबके सब जवाब दें। देखिए कई बार ये भी हम सुनते हैं, कई बार कमेंट में ये भी हम देखते हैं दोस्तों कि लोग कहते हैं कि सर जवाब हमने पहले दिया था और विनर कोई और हो गया। तो हम बताना चाहेंगे दोस्तों, आपने यदि भविष्य में अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा कमेंट करते हैं या फिर आपने पिछले टाइम पे कुछ ऐसा कमेंट किया जो गलत था, तो अगर आपको एडमिन द्वारा यहां पर ब्लॉक कर दिया गया होगा तो आपके सर्वर पर आपको लगेगा कि जवाब आपने सबसे तेज दिया लेकिन यहां तक वो जवाब नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि यूट्यूब के सर्वर की अगर हम बात करें तो आपका जो जवाब है हमारे सर्वर पर सबसे तेज पहुंचना चाहिए। तो चलते हैं और देखते हैं कि 7वां सवाल क्या है। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का 7वां सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ए इज द अंकल ऑफ बी, हु इज द डॉटर ऑफ सी एंड सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। ए बी का अंकल है जो सी की पुत्री है और सी पी की डॉटर इन लॉ है, ए पी से किस प्रकार संबंधित है। और ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ऑप्शन ए ब्रदर, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी सन इन लॉ या फिर ऑप्शन डी डेटा इन एडिक्वेट। ये रीजनिंग का सवाल है कि ए पी से किस प्रकार संबंधित है, ए भाई बी पुत्र सी सन इन लॉ या फिर डी आंकड़े अपर्याप्त है। के साथ समय आपका समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि सवाल का सही जवाब क्या है और सवाल ये लिया गया था रीजनिंग से। तो आइए देखते हैं कि ए पी से किस प्रकार संबंधित है। तो कमेंट बॉक्स पे लोगों ने जवाब दिया कि जवाब जो है भाई हो सकता है, कुछ लोग गए पुत्र के साथ, सन इन लॉ के साथ भी कुछ लोग थे। तो आइए जानते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या होगा।
महिंद्रा गुरुजी से पूछते हैं कि सवाल का सही जवाब हमारी स्क्रीन के ऊपर अंकित किया जाए। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में इस सवाल का सही जवाब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और जी हां जवाब है सन, पुत्र। तो सातवां सवाल आपने देखा, सातवें सवाल का सही जवाब भी आपने देखा, और ये सवाल लिया गया था रीजनिंग से। जी हां, सवाल लिया गया था रीजनिंग से। तो किसने यहां पर सबसे पहले ये बताया कि क्या इसका जवाब होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि समय समय पर लाइव बटन को प्रेस करते रहें। और दोस्तों आप सभी से हम यही कहना चाहेंगे, देखिए जब ये जर्नी की शुरुआत हुई थी हमें याद है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जब हम लोगों ने शुरू किया था, दर्शकों में रोमांच और देखिए अब तक बरकरार है। और दोस्तों ये 9वां एपिसोड है तो काफी लोगों ने हमें सपोर्ट किया और आपके सपोर्ट से दोस्तों हमने उस मुकाम को हासिल किया। बिल्कुल, तो एक बार क्रेडिट आप सब लोगों के लिए, 4 लाख सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल ने जो किए वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। तो एक बार जोरदार तालियां, जितने भी दर्शक जितने भी व्यूअर्स हमारे हैं उन सभी के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए, आपकी बदौलत हमने 4 लाख सब्सक्रिप्शन को छुआ। तो बिल्कुल अब देखते हैं कि इस सवाल के विजेता कौन रहे, बताएंगे बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों सातवें सवाल की विजेता कौन रहे, जानते हैं देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि समय समय पर लाइव को प्रेस करते रहें और पेज को आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं कि सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आए तो आप लाइव हो जाएं, जैसे कि सवाल आए और आप तुरंत जवाब देकर विजेता बन जाएं। और हम यही चाहते हैं, हमारी दिली तमन्ना यही है कि आप सब लोग यहां से कुछ ना कुछ जीत कर जाएं। और एक लकी विजेता भी आज हमने आपके लिए रखा है, 10 विजेता नहीं अब की बार 11 विजेता होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस बार विजेता कौन रहे। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में इस सवाल के विजेता का नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और जी हां नाम है घनश्याम मीना। घनश्याम मीना जिनकी विनर आईडी है 08032017-07। घनश्याम मीना वेल प्लेड, उम्दा खेल आपने खेला, सातवें सवाल के विजेता। और उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि स्मिता जो है वो सबसे तेज इन्होंने जवाब दिया था, लेकिन वो पिछले एपिसोड में विजेता बन चुके हैं। जी हाँ, तो पिछले एपिसोड में विजेता बन चुके हैं, दूसरे नंबर पर घनश्याम मीना थे इसलिए इनको मौका दिया गया। और वेल प्लेड, एक बार जोरदार तालियां हो जाए घनश्याम मीना सर के लिए। तो घनश्याम मीना सर से भी हम कहना चाहेंगे अपनी मौजूदगी सर कमेंट बॉक्स में हमको दिखाएं, और बाकी लोगों से कहना चाहेंगे इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां तो बजती रहनी चाहिए। चले चलते हैं अपने 8वें सवाल पर। दोस्तों कहीं मत जाइए, लकी ड्रॉ से लकी विजेता थोड़ी ही देर बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। उस व्यक्ति का नाम जो आज का लकी विजेता होगा, कौन होगा वो लकी विजेता, बस बताएंगे थोड़ी ही देर बाद। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। 8वां सवाल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर रखने जा रहा हूं, ध्यान से खेलेगा, समझदारी से खेलेगा, सूझबूझ से खेलेगा। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में 8वां सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which one of the following hydroelectric project does not belong to Tamil Nadu? निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? और ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ऑप्शन ए इडुकी, ऑप्शन बी अलियार, ऑप्शन सी पेरियार या फिर ऑप्शन डी कुंदन। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु से संबंधित नहीं है, ए बी सी या फिर डी। इसी के साथ समय आपका समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि सवाल का सही जवाब क्या है। काफी लोगों ने कमेंट करके जवाब दिया कि जवाब जो है अलियार हो सकता है, कुछ लोग गए पेरियार के साथ, कुछ लोग गए कुंदन के साथ और कुछ लोग गए इडुकी के साथ। तो किसको लॉक किया जाए, आइए कंप्यूटर महाशय से पूछते हैं कि सवाल का सही जवाब क्या है। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में इस सवाल का सही जवाब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और जी हां जवाब है इडुकी। तो इडुकी सवाल का सही जवाब है।
आठवां सवाल आपने देखा और आठवें सवाल का सही जवाब भी आपने देखा, कमेंट बॉक्स पे लगातार लोगों ने जवाब भी दिया, लेकिन सबसे तेज किसने जवाब दिया बताएंगे बस इस छोटे से ब्रेक के बाद, कि पिछले बार के जो विजेता रहे उन्होंने हमसे क्या कहा, आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम प्रतीक जोशी है, मेरी विनर आईडी है 01032017005 और मैंने आठवें एपिसोड के पांचवें सवाल का सही जवाब सही फॉर्मेट में सबसे तेज दिया और विनर बन गया। मैं 7 एपिसोड से ट्राई कर रहा था बट नाम नहीं आ पा रहा था, मैं थोड़ा निराश भी हो जाता था। और महेंद्र गुरु का ये प्रयास काफ़ी अच्छा है, इसमें हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ तैयारी हो जाती है और इनाम भी मिल जाता है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं महेंद्र गुरु के सभी स्टाफ का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस प्रयास। तो इस सवाल के विजेता कौन रहे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, देखिए विजेता बनने के लिए 3 चीजों का होना अनिवार्य है, आपकी प्रोफाइल फोटो का होना, आपका उचित नाम होना और आपके द्वारा हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि जो 9वां 10वां सवाल आए उसमें आप चूक ना जाए। तो ये 3 चीजें अनिवार्य है, सब्सक्रिप्शन होना, आपकी प्रोफाइल फोटो का होना और आपके नाम का होना। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर दोस्तों आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है उन सब दर्शकों के लिए, जितने भी दर्शक हमको यहां पर देख रहे हैं, तो बिल्कुल जी हां, उन सब दर्शकों के लिए एक लाइक तो बनता है। जी हां, तो चलते हैं कि सवाल के विजेता कौन रहे, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, इस सवाल में किसकी उंगलियां सबसे तेज चली, किसने इस सवाल में इनाम जीता, तो देखते हैं कौन है वो जिसने सबसे तेज जवाब दिया। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में इस सवाल के विजेता का नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा और जी हाँ, नाम है देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार जिनकी विनर आईडी है 08032017-08। देवेंद्र कुमार सर, वेल प्लेड, उम्दा खेल आपने खेला और आठवें सवाल के विजेता देवेंद्र कुमार सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए देवेंद्र कुमार सर के लिए, उम्दा खेल इन्होंने खेला, आठवें सवाल के विजेता बने, सबसे तेज उंगलियां को चलाकर सबसे जल्दी विजेता बने। बिल्कुल जी हाँ, देवेंद्र कुमार हमारे आठवें सवाल के विजेता, 2 सवाल अभी आने बाकी हैं और 10वें सवाल के बाद हम आपको बताएंगे लकी विजेता का नाम, कि लकी विजेता कौन रहा। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिए। तो 9वां प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर रखने जा रहा हूं, 10वां सवाल जब आएगा यानी कि अंतिम सवाल, उसके बाद हम आपको बताएंगे लकी विजेता का नाम। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Who discovered South Pole? दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? और ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ऑप्शन ए रॉबर्ट टेरी, ऑप्शन बी एमंडसन, ऑप्शन सी जॉन कैबॉट या फिर ऑप्शन डी तस्मान। सवाल है कि दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी, ए बी सी या फिर डी, क्या लगता है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? समय आपका समाप्त हुआ। तो सवाल है Who discovered South Pole? रॉबर्ट टेरी, एमंडसन, जॉन कैबॉट या फिर तस्मान, क्या लगता है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? आइए पूछते हैं महिंद्रा गुरु जी से कि इस सवाल का सही जवाब हमारी स्क्रीन पर अंकित किया जाए। तो इस सवाल का सही जवाब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा और जी हां, जवाब है एमंडसन। एमंडसन इस सवाल का सही जवाब है और हम बता दें आपको, द साउथ पोल इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस, इट इज इन अंटार्कटिका एट एन एलिवेशन ऑफ 9,300 feet, सराउंडेड बाय माइल्स एंड माइल्स ऑफ आइस टेरेन। इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन December 14, 1911 बाय रोवाल्ड एमंडसन। 9वां प्रश्न आपने देखा और 9वें प्रश्न का सही जवाब भी आपने देखा। अब देखना बाकी है कि 9वें सवाल की विजेता कौन रहे और 10वें सवाल के बाद हम आपको बताएंगे लकी विजेता का नाम, कि आज के एपिसोड में जो हमारे 10 विजेता रहे उनके साथ साथ एक विजेता और होंगे जो होंगे लकी विजेता। लकी विजेता के लिए कंडीशन, टर्म्स कंडीशन कुछ नहीं है, बस 2-3 बातें हैं कि उचित नाम होना, प्रोफाइल का फोटो होना और चैनल का सब्सक्रिप्शन होना। तो लकी ड्रॉ
आप लकी ड्रॉ से हम विजेता को चुनेंगे। तो लकी विजेता आप तभी बन पाएंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपकी प्रोफाइल फोटो का होना, आपके सही नाम का होना। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी हाँ, सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कर ले। तो बहुत समय है अभी आपके पास में, 10वां सवाल अभी आना बाकी है, लेकिन उससे पहले 9वें सवाल के विजेता कौन बने, किसने सबसे तेज यहां पर जवाब दिया, सही फॉर्मेट का किसने ध्यान रखा, जानते हैं और देखते हैं कि 9वें सवाल के विजेता कौन है। तो फास्टेस्ट बीइंग ऑफ फर्स्ट में 9वें सवाल के विजेता का नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और जी हाँ, नाम है बिल्कुल जी हाँ, अब यहां पर हम देखते हैं कि नाम क्या है 9वें सवाल के विजेता। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि लकी विजेता जो है, लकी विजेता बताएंगे, लेकिन जो पिछले बार के हमारे विजेता रहे उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं बहादुर सिंह, आई एम फ्रॉम लखनऊ। माय विनर आईडी इज 1502201710। आज ही मैंने अपना महिंद्रा गुरु से गिफ्ट प्राप्त किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी लकी। और मेरा सभी एस्पिरेंट्स से मेरा बेस्ट सजेशन है कि जब भी मैं खेलता हूँ तो कई सारे एस्पिरेंट्स के आते रहते हैं उस पर चैट पे कि दिस इज़ फेक। मैं सभी एस्पिरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल 100% इट ट्रू है। और आप लोग भी मन से लगा खेलिए, मैं भी लगातार 3 बार से खेल रहा हूँ और पिछली बार का विनर हूँ और आगे आने वाले एपिसोडों में भी विनर बनूंगा। थैंक यू सो मच। तो 9वें सवाल के विजेता कौन रहे? अभी काफी लोगों ने कहा कि सर आपने कहा था कि विजेता ये रहे, लेकिन विजेता तो आए नहीं। तो दोस्तों बीच-बीच में सरप्राइज तो बनता है। जी हाँ, चलिए देखते हैं कि 9वें सवाल के विजेता हमारे कौन रहे। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में 9वें सवाल के विजेता का नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और अब की बार तो नाम जी है शबाना बेगम, जिनकी विनर आईडी है 08032017-09। तो वेल प्लेड शबाना जी, बहुत उम्दा खेल आपने खेला, 9वें सवाल के विजेता आप बन गए। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहां पर शबाना जी के लिए। तो 9वें सवाल की विजेता शबाना बेगम, वेल प्लेड, उम्दा खेल खेला, 9वें सवाल की विजेता। और अंतिम सवाल आना अभी बाकी है, तो अंतिम सवाल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर रखने जा रहा हूं। और अंतिम सवाल के बाद आएंगे लकी विजेता, जिसका आप सभी लोगों को इंतजार है कि कौन होंगे वो लकी विजेता, किसका। देखिए लकी विजेता की कंडीशन यहां पर कोई नहीं है, आपको जवाब नहीं देना है, रेंडमली हम यहां पर पिक करेंगे कि कौन लकी विजेता होगा, जिसने लगातार कमेंट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, प्रोफाइल फोटो और नाम का होना, उस व्यक्ति को दिया जाएगा लकी विजेता का इनाम। लेकिन उससे पहले अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आने जा रहा है, ध्यान से खेलेगा, यह है अंतिम प्रश्न, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का अंतिम सवाल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर रखने जा रहा हूं। ऑल द बेस्ट, अंतिम सवाल फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड संस्कृत कंपल्सरी अप टू क्लास 8 इन ऑल क्लासेस। किस राज्य सरकार ने सभी वर्गों में कक्षा 8वीं तक संस्कृत अनिवार्य बना दिया है? और ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, या फिर ऑप्शन डी केरला। तो अभी हाल ही का ये सवाल है, करंट अफेयर का, कि किस राज्य सरकार ने सभी वर्गों में कक्षा 8वीं तक संस्कृत अनिवार्य बना दिया है। क्या लगता है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इसी के साथ समय आपका समाप्त हुआ। आइए जानते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो काफी लोगों ने जवाब दिया कि इसका जवाब जो है केरला हो सकता है, कुछ लोगों ने कहा तमिलनाडु, कुछ लोगों ने कहा मणिपुर, तो कुछ लोग गए असम के साथ। आइए जानते हैं कि सवाल का सही जवाब क्या है और पूछते हैं महिंद्रा गुरु जी से कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में इस सवाल का सही जवाब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और जी हाँ, जवाब है यहां पर असम। असम इस सवाल का सही जवाब है। और हम आपको बता दें कि असम सरकार ने सभी राज्य बोर्ड स्कूल में कक्षा 8वीं तक संस्कृत शिक्षा अनिवार्य कर दी है। संस्कृत को अनिवार्य बनाने के अलावा स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकारी विद्यालयों में सफाई के लिए कैबिनेट ने एक पद भी बनाया। असम सरकार ने सभी उच्च विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया है ताकि
छात्रों को कंप्यूटर की शिक्षा भी मिल सके। इस सवाल का सही जवाब है असम। तो अंतिम सवाल आपने देखा और अंतिम सवाल का सही जवाब भी आपने देखा। तो दोस्तों ये अंतिम सवाल था, लेकिन हम आपको बता दें कि लकी विजेता अभी भी बाकी है। तो अंतिम सवाल के विजेता कौन हुए, किन्होंने सबसे तेज जवाब दिया और अंतिम सवाल के विजेता कौन बने, ये सब बताएंगे और ये भी बताएंगे कि लकी विजेता कौन है। और हम आपसे बताना चाहेंगे, लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं और सबसे तेज भी लोग जवाब देते हैं, किस कारणवश वो विजेता नहीं बन पाते। ये कारण है कि प्रोफाइल फोटो का ना होना, उचित नाम ना होना, चैनल का सब्सक्रिप्शन ना होना। तो ये तीन बातें दोस्तों बहुत जरूरी है इस खेल में, ये इस खेल के नियम हैं, इस खेल के कानून हैं कि आपको इन तीन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है, चैनल का सब्सक्रिप्शन होना, नाम प्रोफाइल फोटो का होना। तो अभी हम आपको बस एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे और बताएंगे लकी विजेता कौन है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास में एक मौका है कि जल्दी सब्सक्राइब कर लें और इस सवाल के विजेता का नाम और लकी विजेता का नाम बताएंगे बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। Are you worried about your future? My dream is to be a bank PO. Which institute should I join for SSC preparation? Thinking about a government job. There is too much competition in banking sector. Is it possible for a student like me to crack railway exam? Do you worry about your preparation? Getting an LIC job is a dream for me. I think I could not crack SSC exam. Is there anyone who can suggest me the best institute for preparation? Join Mahindra's. तो अंतिम सवाल का विजेता कौन होगा? सबके दिमाग में यही है सवाल कि अंतिम सवाल का कौन होगा विजेता और उसके साथ साथ कौन बनेगा लकी विजेता। तो आइए जानते हैं और पूछते हैं महिंद्रा गुरुजी से कि अंतिम सवाल के विजेता को हमारी स्क्रीन के ऊपर अंकित किया जाए। तो फर्स्ट स्ट्रिंग ऑफ फर्स्ट में अंतिम सवाल के विजेता का नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और जी हाँ, नाम है अजय पंचाल। अजय पंचाल जिनकी विनर आईडी है 08032017-110। अजय पंचाल 10वें अंतिम सवाल के विजेता, वर्ल्ड प्लेट उम्दा खेल आपने खेला और बन गए अंतिम सवाल के विजेता। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अजय पंचाल सर के लिए। तो वेल प्लेट सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, अंतिम सवाल की आप विजेता बने, उम्दा खेल आपने खेला। और हम बताना चाहेंगे इनके साथ साथ शिखर सैगल प्रियांशु जी ने सबसे तेज जवाब दिया था। शिखर सैगल और प्रियांशु ने भी सबसे तेज जवाब दिया था। जो गलतियां हुई वो हुई टाइपिंग मिस्टेक में। तो टाइपिंग मिस्टेक की छोटी सी गलती जो है शिखर सैगल और प्रियांशु को विजेता नहीं बना पाई। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम ये कहना चाहेंगे कि आप अगले एपिसोड में पार्टिसिपेट कीजिए या हो सकता है कि आप लकी विजेता भी बन सकते हैं। तो कहीं मत जाइए, वक्त आ चला है फर्स्ट स्ट्रिंगर फर्स्ट में लकी विजेता के नाम की घोषणा करने का। सब बेचैन हैं कौन होगा लकी विजेता, लेकिन उससे पहले एक बार मिलते हैं फर्स्ट स्ट्रिंगर फर्स्ट के आज के एपिसोड के दमदार 10 विजेताओं से, जिन्होंने आज हमारे साथ इस अद्भुत खेल में अपनी पहचान बनाई और यहां पर अपनी हुनर योग्यता के साथ साथ अपनी जोश जुनून को बरकरार रखते हुए इनाम जीता। तो आइए मिलते हैं आज के दमदार 10 विजेताओं से। तो फर्स्ट स्ट्रिंगर फर्स्ट में आज के एपिसोड के दमदार 10 विजेताओं की एक झलक ये आपके सामने। तो जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत करें सुमन चौधरी, सुभाजीत डोलई, किशन रजक, दीपक बिहार, रजत जैन, शहनाज, घनश्याम मीना, देवेंद्र कुमार साहब, सहबाना बेगम और उसके बाद में अजय पंचाल। तो जी हाँ, ये हमारे आज के दमदार 10 विजेता जिन्होंने हमारे साथ बहुत उम्दा खेल खेला और 10 विजेता बन गए। अब बारी है लकी विजेता की। लकी विजेता कौन होगा? आइए आप ही लोगों में से पूछ ले, एक बार देख ले कमेंट बॉक्स पे जाके कि लोगों का क्या है कहना कि कौन बनेगा विजेता। उससे पहले हम बता दें कि बस कुछ ही पल यहां पर बचे हैं लकी विजेता को बताने के। तो सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें,
ताकि इनाम छूट ना जाए। कौन होगा लकी विजेता, किसका सिक्का चला और इस होली के त्योहार पे किसे मिलेगा लकी उपहार, बताया जाए? जी हाँ, दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों, ये है लकी विजेता। तो फास्ट फिंगर फर्स्ट, मैं लकी विजेता का नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर आने जा रहा है। क्या लगता है कौन होगा? सबकी धड़कनें भीजन है कि लकी विजेता जानने को लोग बेकरार हैं। तो लकी विजेता का नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और जी हाँ, नाम है प्रांशी अग्रवाल। प्रांशी अग्रवाल जिनकी विनर आईडी है 08032017-11, यानी कि ये है लकी विनर आज के, प्रांशी अग्रवाल। जी हाँ, प्रांशी अग्रवाल लकी विनर है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। तो बहुत उम्दा खेल। देखिए लकी विनर का मतलब ये लगातार हमारी एक्टिव पार्टिसिपेंट थी और इन्होंने हर सवाल पे जवाब दिए, सही जवाब दिए, सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया और साथ ही साथ बस तेज जवाब नहीं दे पाई तो लकी विनर के तौर पे इनको फास्टेस्ट फिंगर की ओर से एक लकी विजेता घोषित किया गया। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहां पर प्रांशी अग्रवाल जी के लिए। उम्दा खेल खेला, वेल प्लेड, उम्दा कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से आपको भी प्रांशी अग्रवाल। तो चलिए, आज के 10 विजेता आपने देखे और आपकी स्क्रीन के ऊपर लकी विनर लकी विजेता भी आपने देखा। तो दोस्तों, आज का सफर बस यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जो कि निर्धारित किया गया है बुधवार की बजाय शुक्रवार को होली के कारणवश। तो जी हां, अगले बुधवार को हम आपसे नहीं, हम आपसे मिलेंगे शुक्रवार को, अगले शुक्रवार को, अपकमिंग फ्राइडे में हम आपसे मिलेंगे ठीक 10 बजे एक्सक्लूसिवली ऑन महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो अभी से रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। तो आज का ये सफर यहीं पे हम समाप्त करते हैं दोस्तों। आज का सफर काफी अच्छा रहा, लोगों में उत्साह रहा, काफी लोगों से हमने कहा कि कमेंट करते रहे, लोगों ने काफी उत्साह यहां पर दिखाया, जोश जुनून बरकरार रहा। इसी जोश जज्बे को बरकरार रखिए। तो मिलेंगे आपसे अगले शुक्रवार। तो खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए महिंद्रा गुरु चैनल। थैंक यू सो मच।